तो आईपीएल 2023 से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। महेंद्र सिंह धोनी के दिग्गज और धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक की नी इंजरी अभी भी ठीक नहीं हुई है और चेन्नई सुपर किंग्स को आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबला खेलना है चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में। और खबर ये आ रही है कि बेन स्टोक अभी भी फिट नहीं हुए हैं। पिछला मुकाबला भी बेन स्टोक नहीं खेले थे और डॉक्टर्स ने उनको नी की इंजरी के चलते उन्हें 2 हफ्ते का रेस्ट करने को बोला था और पिछला मुकाबला इसी चलते बेन स्टोक नहीं खेले थे। और अब इस आज के मुकाबले में भी बेन स्टोक नहीं खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बड़ा झटका है, महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने बेन स्टोक को 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था और ऐसा खिलाड़ी अगर डगआउट में बैठा रहे तो ये टीम के लिए एक बड़ा झटका है। बेन स्टोक धाकड़ और दिग्गज ऑलराउंडर हैं और बेन स्टोक बल्ले के साथ साथ बॉल से भी कमाल करते हैं, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और शानदार गेंदबाजी करते हैं और नॉकआउट मुकाबलों में जो उनका परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही शानदार होता है। अच्छी टीमों के खिलाफ भी वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हैं और राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो शानदार फॉर्म में चल रही है, लगातार मैचेस भी जीत रही है, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी कर रही है। और आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से है। और खबर ये है कि बेन स्टोक जो कि दिग्गज और धाकड़ ऑलराउंडर हैं चेन्नई सुपर किंग्स के महेंद्र सिंह धोनी के, वो इस मुकाबले में खेलने नहीं वाले हैं, नी की इंजरी के चलते वो इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।